एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के नंद भवन में विचरण कर रही थी और घूमते घूमते इतना वजन भगवान का हो गया मानो जैसे मंदराचल पर्वत किसी ने धर दिया हो। भगवान को नीचे रख के मैया भूमो निधाय तम गोपी, वह उनको विस्मिता भार पीड़िता विस्मित होकर देखने लगी। एक बगल में यों दबा के चलती थी, कभी वजन नहीं पता चला, आज दोनों हाथ से नहीं उठ रहा, क्या बात हो गई। तभी एक तृणावर्त नाम का दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित, कंस के द्वारा भेजा गया सेवक तृणावर्त वहां आया, आंधी का रूप लेकर के भयंकर अंधकारमय आंधी हो गई पूरे गोकुल में और बाल कृष्ण भगवान को लेकर के उड़ गया। मैया ने चिल्लाया, अरे लाला उड़ गो भैया, बचाओ बचाओ बाबा। सारी सखियां दौड़ पड़ी, मैया दौड़ पड़ी, भगवान ने उसको देखा, ऊपर ले गया, सोचा फेंकूंगा नीचे गिर के मर जाएगा। भगवान ने कहा, देखो और लोगों के मामा नकली के गुब्बारे भेजा करते हैं, पहले एक आता था 50 पैसे का गुब्बारा, अब वो पता नहीं कौन सी गैस भरते थे, वो यूँ उड़ता था अपने आप। भगवान ने कही, जी वही गुब्बारा है उड़ने वाला, अब गुब्बारा फूटे नहीं तो मामा बुरा मान जाएंगे कि लाला खेला ही नहीं गुब्बारे से। भगवान ने गुब्बारा माने उस तृणावर्त के गले को कसके पकड़ लिया और जब पकड़ के भगवान ने दबाया, गले ग्रहीत उत्सृष्टम नाशक्नोत अद्भुतार्भकम, गला जब दबने लगा तो श्वास प्रश्वास रुकी, छटपटाते हुए भगवान को दूर करने लगा लेकिन नहीं कर सका। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, दोनों नेत्र बाहर निकल आए, अव्यक्त रावह भयंकर चीत्कार करता हुआ ये आकर के धम्म से नीचे गिरा और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार हुआ, यशोदा मैया सारे ग्वाल बाल सारी गोपियां भागती आईं। बहुत सुंदर एक बगीचा था ब्रज का, माली ने खूब सारे फूल तोड़ तोड़ करके खूब बड़ा ढेर बनाया था, भगवान उसी पर आकर के विराजमान हो गए। मैया ने उठा लिया, रोते हुए बोली, लाली हमें तो लगे फिर काउसी ने टोना मार दियो, चलो चलो। फिर लेके गए भगवान को गौशाला में, गाय की पूंछ से झाड़ा देना प्रारंभ हुआ। भगवान ने कही, झाड़े को चक्कर बड़ो बुरो भैया, नेत्र ने बंद करो ना है तो झाड़ा मार मार के हमें ही झाड़ देंगे। नेत्र बंद किए, मैया मैया उतर गई, बोली दो ही पूंछन में उतर गई, बाद में तो 7-8 बार घुमाई तुमने, अब जल्दी उतर गई, नेक सी लगी होगी।